हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 25x40 का हाउस प्लान। 25x40 मतलब करीबन दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट एरिया में किस तरह से दोस्तों हम अच्छे से अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 25x40 का ये प्लॉट एरिया है और उसमें दोस्तों मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। उसमें 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, किचन है, डाइनिंग है, बार WC है, वेश एरिया और बड़ा सा पार्किंग है और स्टेयर दोस्तों बाहर की तरफ से है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आज मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या सारे जो कंपोनेंट है उनकी मैंने डायमेंशन यहाँ पे ली है। प्लस दोस्तों मैं उसका लाइव 3D मॉडल भी बताने वाला हूँ कि अगर वो घर बनता है तो वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये प्लान के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका प्लान कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी मेन गेट देखने को मिल जाएगा करीबन 211 फीट का। और उसके बाद आपको बड़ी सी पार्किंग मतलब ये पोर्च वाली पार्किंग है, मतलब इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर आएगा उसका स्लैब पूरा इस एरिया को कवर कर देगा। मतलब बारिश हो धूप हो ये जो पार्किंग है ये आपकी ढकी रहेगी, आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। तो ये जो पोर्च है यहाँ पे करीबन 11.5x15 फीट 4 इंच का बड़ा सा पोर्च है। 11.5 फीट चौड़ाई है, लंबाई उसकी 15 फुट 4 फीट है। मतलब आराम से आपकी जो कार है वो आ जाएगी, 2-3 बाइक्स भी आराम से यहाँ पे पार्क हो जाएगी। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि स्टेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टेयर बाहर से अगर फर्स्ट फ्लोर आप रेंट पे देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आएंगे तो एक दरवाज़ा है मेन डोर, मेन डोर आपका खुलेगा लिविंग एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिविंग एरिया मेरा है 15x8x10 फीट का बड़ा सा लिविंग एरिया है। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल भी आप रख सकते हैं। किचन एरिया जो है किचन प्लस डाइनिंग है। किचन की जो साइज़ है आप देख सकते हैं करीबन 11x6x9x4 इंच का बड़ा सा किचन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो किचन है इसमें डाइनिंग टेबल भी आपका आ जाएगा, करीबन दोस्तों 10 लोगों का डाइनिंग टेबल यहाँ पे आप आ जाएगा। ठीक है, मतलब बड़ी फैमिली हो तो भी दोस्तों ये जो प्लान है आपको सूटेबल होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे लिविंग एरिया के बगल में यहाँ पे वैश एरिया है, 60x4x4x4 इंच का वैश एरिया है। वैश एरिया के बगल में ही आपको टॉयलेट प्लस बाथ देखने को मिल जाएगा जिसकी साइज़ है करीबन दोस्तों 7x4x5 फीट का ये बड़ा सा बाथरूम आपको मिल जाएगा। टॉयलेट प्लस बाथरूम है और बाहरी वैश एरिया है, मतलब टोटली दोस्तों बहुत अच्छा प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और पीछे आपकी जो 25 फीट विड्थ है वहाँ पे आपको 2 बेड में देखने को मिल जाएंगे। पहला बेडरूम की साइज़ आप देख लीजिए 11x6x12 फीट का बड़ा सा बेडरूम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा बेडरूम की भी साइज़ वही है। ठीक है, 11.5x12 फीट का दोनों बेडरूम दोस्तों बहुत बड़े लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी साइज़ है अगर एक फैमिली के लिए जिनके 2 बच्चे हो तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। अब इसका 3D मॉडल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्लान है अब इसका हम 3D मॉडल करेंगे। जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ पर मैंने वॉल ड्रॉ कर दी है। अब ये जो स्केचअप सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ये पुशअप का टूल आता है उससे हम इसको उठाएंगे, इसको हम दे देंगे 10 फीट की हाइट। तो आप देख सकते हैं जो हमने प्लान बताया था उसके अंदर जो वॉल थी वो मैंने उठा दी है। तो आप देख सकते हैं साइज़ का एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि क्या क्या साइज़ है, कितनी बड़ी है। देखिए बेड रखने के बाद भी बहुत जगह यहाँ पे बच रही है, राइट, 6.5 से 7 फीट का बेड आता है फिर भी यहाँ पे बहुत जगह बच रही है। तो यह आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो अगर प्लान है उस पर अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से लगने वाला है। अब यही प्लान को हम पूरा फर्नीचर के साथ पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा तो ये कुछ ऐसा लगने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने जैसे बताया कि पार्किंग जो है कार पार्क हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे 2-3 बाइक्स भी लग जाएंगी और स्टेयर को जो है वो हमारी बाहर से ली गई है और नीचे का जो जगह है वहाँ पर हम टॉयलेट भी बना सकते हैं, एक्सटर्नल टॉयलेट या फिर कुछ स्टोरेज के लिए भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो देखिए मैंने जैसे बताया कि ये जो रहेगा ये हमारा मेन डोर होगा और किचन में आने के लिए और एक दरवाज़ा यहाँ पे लगा दिया है। अब मेन डोर से अंदर आएंगे तो आपको बड़ा सा लिविंग एरिया मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ा सा लिविंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा और लिविंग एरिया के बगल में आप किचन देखिए, किचन कितना खूबसूरत है ये देखिए, ये इतना खूबसूरत आपका किचन बनेगा। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करके हम डाइनिंग रूम भी लगा डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। बट ये आप देख लीजिए किचन की साइज़ क्या है, किचन कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मॉडर्न एक हाउस प्लान है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि अगर लिविंग रूम में है लिविंग रूम के सामने वैश एरिया है तो वैश एरिया भी देखिए बड़ा सा वैश एरिया है।
इसको आप कुछ भी और एक्स्ट्रा काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो बाथरूम का दरवाज़ा इधर निकालेंगे तो ठीक है। और उसके बाद बाथरूम की साइज़ भी देख लीजिए, बहुत अच्छी साइज़ है, बाथरूम की साइज़ भी बहुत बड़ी है, टॉयलेट रखने के बाद भी बहुत जगह बच रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बताया कि बेड रखने के बाद भी यहाँ पे बहुत जगह बच जाती है, तो आप देख सकते हैं कि बेड रखने के बाद भी यहाँ पे बहुत जगह है और दोनों बेडरूम की साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं कि बेड रखने के बाद भी बहुत सारी जगह है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर भी हमें जाना है और हमें देखना है कि कैसा लगता है अंदर जाके, तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे और देखेंगे। देखिए ये इस तरह से दिखेगा, अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको किचन ये टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम में खड़े होके, और यहाँ पे अगर किचन की साइड पे आप देखना चाहिए तो ये देखिए, ये किचन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका किचन कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखने वाला है और यहाँ से आपको लिविंग रूम का व्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, ठीक है, तो ये वैश एरिया का लुक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वैश एरिया आप देख सकते हैं यहाँ से, ओके, देखिए वैश एरिया है। बाथरूम के अंदर भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे बाथरूम के अंदर, देखिए ये हम बाथरूम के अंदर आ गए, तो बाथरूम के अंदर भी साइज़ भी आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी नहीं है, बहुत अच्छी साइज़ है बाथरूम की, ये रही। ठीक है, तो ये देखिए बाथरूम की साइज़, ओके दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैं अलग अलग रूम में आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हम बेडरूम की तरफ भी चलेंगे। अब बेडरूम के अंदर भी अगर हमें कैसा व्यू है वो जानना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, देखिए ये बेड पड़ा है और बेड करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी जगह यहाँ पे बच जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये रहा बेडरूम, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है सारी डिटेल, और अगर दोस्तों आपको ये प्लान बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। और दोस्तों इसके डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत प्लान है। अगर अपना जो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है 25x40 का है तो ये जो प्लान है आपको बहुत सूटेबल हो सकता है। उसमें और चेंज हो सकती है, किचन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप दीवार भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक दीवार लेके किचन को और छोटा कर सकते हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा पेज जो है वो लिविंग रूम के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जगह का भी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा।